हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल फ्रेंड्स आज हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे आर एस अग्रवाल क्लास टेंथ टिग्नोमेट्री यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के सॉल्यूशन के बारे में सो एक्सरसाइज थर्टीन ए के क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे आई होप आप अदर सोल्यूशन देख चुके होंगे अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्ले में जाकर देख सकते हैं जैसे कि आप लोगों का कमेंट आया था कि मैम आर एस अग्रवाल की बुक में कुछ चेंजेस हुए हैं वो क्वेश्चंस आप उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिए सो यहाँ पर हम लोग वही सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेंगे आइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन आपको दिया हुआ है वन प्लस टें थीटा प्लस थीटा इन साइन थीटा माइनस कॉस इक्वल प्रूफ करना है के कैसे करेंगे? Friends, मैंने आपको बताया था टिग्नोमेट्री यूनिट में जो आपका चैप्टर है टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी इसमें आप क्वेश्चन को वन मैथड टू मैथड थ्री मैथड मतलब सोल्व कर सकते हैं अधर मैथड से ये नहीं है कि आपको एक रेटाफिकेशन करना है सो so, इस क्वेश्चन को मैं आपको टू मैथड से सोल्व करके दिखाऊंगी आप दोनों मैथड अच्छे से समझ लीजिएगा दो दोनों मेथड को देखिएगा जो आपको बेस्ट लगे वो आप एग्जाम में करेंगे सो so आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है फर्स्टली वी विल सी फर्स्ट मेथड सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम लोग यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं वन प्लस टेन थीटा टेन थीटा और कोट थीटा को हम साइन और कॉस की फॉर्म में यहाँ पर ब्रेक कर लेते हैं आपको मालूम है टेन थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के एंड कॉस थीटा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा सॉरी कॉट थीटा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा पॉन साइन थीटा के होता है ये सो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे साइन टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा पॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा राइट इनटू टू थीटा माइनस कोस थीटा Now, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे जो ये आपकी राइट हैंड साइड है ये जो दोनों टर्म है हम लोग इस टर्म को क्या करेंगे पहले इस साइन थीटा को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे फिर कॉस थीटा के तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन थीटा की जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आएगा प्लस साइन थीटा अपॉन थीटा इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, right? करेंगे जब माइनस कॉस्थीटा की वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थीटा आएगा नाउ माइनस कोस थीटा की किससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस्टा से सो फ्रेंड्स माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा सबसे पहले आपको साइन का स्पेशली ध्यान रखना है हम जब इस साइन माइनस साइन की प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा नाउ हम साइन थीटा अपॉन कॉस्थीटा इन टू कॉस थीटा क्लियर नाउ माइनस थीटा की थीटा अपॉन साइन थीटा से करेंगे तो यहां पे प्लस का साइन है यहाँ पे माइनस का है सो so, सबसे पहले माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा नाउ मल्टीप्लाई करेंगे थीटा अपॉन साइन थीटा इन टू कॉस थीटा क्लियर अब हम देखते हैं सॉल्व करेंगे इसको साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया एंड यहां पर देख रहे हैं कॉस्ट थीटा से कॉस्थ थीटा कैंसिल हो रहा है नाउ सॉल्व कर लेते हैं साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इन टू साइन थीटा right, plus cos थीटा minus cos थीटा minus sin थीटा minus cos थीटा upon sin थीटा into cos थीटा यही रहता है ना हम लोगों का यहाँ पर cos थीटा रह जाता है हम लोगों का minus cos थीटा cos थीटा से cos थीटा तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा term, एज इट इज आ जाती है अब आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस साइन थीटा यहाँ पे माइनस साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा या प्लस कोस थीटा है या माइनस कोस थीटा है तो कैंसिल हो जाएगा सो हमारी टर्म क्या रह जाती है साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा थीटा थीटा, थीटा। क्लियर अब आप इसको टेन थीटा या को थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें आंसर सेक और को में चाहिए ठीक है हम साइन और को साइन अपॉन कोस को टेन थीटा भी लिख सकते थे लेकिन हमने क्यों नहीं लिखा क्योंकि हमें टर्म किस में चाहिए सेक और कोसेक की फॉर्म में चाहिए सो हम साइन थीटा को क्या लिख लेंगे वन अपॉन कोसेक थीटा लिख लेंगे राइट right? कोस थीटा किसके इक्वल है वन अपॉन सेक थीटा एंड साइन थीटा किसके इक्वल है वन अपॉन कोसेक थीटा

कोसेक स्क्वायर थीटा एंड सेक थीटा कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा सेक थीटा माइनस सेक सेक थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा एंड कोसेक थीटा कहाँ चला जाएगा ऊपर नोमिनेटर में चला जाएगा इंटू कोसेक थीटा दैट मीन्स आंसर क्या आ गया आपका सेक थीटा अपोन कोसेक स्क्वायेर थीटा माइनस कोसेक थीटा Upon sec square theta, and friends, this is your right hand side. Clear, Hena सिर्फ आपने क्या किया ब्रैकेट्स को ओपन किया इनको सॉल्व किया एंड देन हमने टैन कोट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि हमें सैक और कोसेक की फॉर्म में आंसर चाहिए था तो हमने साइन और कोसेक का रेसिप टॉकल में ब्रेक कर लिया एंड देन इसको सॉल्व कर लिया इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का फर्स्ट मेथड आपको सॉल्व हो जाता है नाउ सेकेंड मेथड क्या तरीका है कि हम सॉल्व कर सकते हैं उसको भी देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड मैथड क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन को हम कैसे सॉल्व करेंगे अगेन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड राइट सो हमें मालूम है टेन थीटर किसके इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटर के एंड कोट थीटर किसके इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटर के राइट सो so, हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे टेन एंड कॉट थीटा की साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस थीटा अपॉन साइन थीटा क्लियर इन टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा राइट इससे पहले फर्स्ट मेथड में हम लोगों ने इसके इन इस दोनों टर्म के आपस में मल्टीप्लाई की थी बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ये आपका जो टर्म है ब्रैकेट वाला हम पहले इनको सॉल्व करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं जिसके बॉन में कुछ नहीं होता वन होता है तो वन कॉस थीटा साइन थीटा में क्या एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा क्लियर सो so, जब हम एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप नोमेटर में क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा वन से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा दैट मीन्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस कोस थीटा से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा रह जाएगा तो साइन थीटा की निमिलेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगी दैट मीन्स साइन स्क्वायर हो जाएगा क्लियर नाउ साइन थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा कॉस थीटा रह जाएगा तो इस कॉस थीटा की अब क्या होगी नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी एलसीएम लेना आता है ना आपको कॉस स्क्वायर थीटा राइट एंड यहाँ पर क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्लियर अब यहाँ पर एक बेसिक सा ट्रिक हम लोग यूज करने जा रहे हैं आपको मालूम है ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के इक्वल होता है ये फॉर्मूला आपको मालूम है ना अच्छे से नाउ अगर हम साइन थीटा को एंड कोस थीटा को बी माने तो आप देख रहे हैं ए माइनस बी बन रही है फॉर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यही फॉर्म रही है ना एक क्यूब माइनस क्यूब की फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है इट मीन हम इस पूरी टर्म को क्या लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा माइनस अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो यही टर्म आएगी हमारी सो हमने क्या किया इस टर्म को किस फॉर्म में लिख लिया ए क्यूब माइनस के फॉर्म में लिख लिया एंड अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा Right, अब हम क्या करेंगे इसको अलग अलग ब्रेक कर लेंगे साइन थीटा अपोन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस अपोन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्लियर सो so, एक साइन थीटा से एक साइन थीटर कैंसिल हो जाएगा दैट मीनस क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपोन ओनली यहां पे कॉस थीटा रह जाएगा माइनस अगेन एक कोस थीटा से एक कोस थीटर कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर ऊपर एंड में क्या आपका साइन थीटर क्लियर अब हमें क्या करना है और कोसेक की फॉर्म में लाना है तो हमें मालूम है कि साइन थीटा क्या होता है वन अपॉन कोसेक थीटा होता है एंड कॉस्ट थीटा किसके इक्वल होता है वन अपॉन

साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे वन अपॉन कॉशेक थीटा आप जानते हैं कि ये क्या है नीचे डिनोमिनेटर में है तो ये चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में न्यूमिनेटर में चला जाएगा एंड यहां पर भी कॉशेक्ट थीटा कहां चला जाएगा ऊपर न्यूमिनेटर में चला जाएगा इट मींस सेक थीटा अपॉन स्क्वायर थीटा माइनस कॉशेक् थीटा अपॉन सेक्स स्क्वायर थीटा एंड फ्रेंड्स आई थिंक दिस इज योर राइट हैंड साइड या दिस इज योर राइट हैंड साइड सो हैंस दिस इज प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ये आपका सेकेंड मैथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का सो so, हम इस तरीके से कोई क्वेश्चंस को टूथसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आपको लर्टाफिकेशन नहीं करना है सभी क्वेश्चंस की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है जिससे आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे इजीली सभी क्वेश्चंस को कर सकेंगे सो so, हमने देखा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन हम कितनी इजीली सॉल्व कर सकते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी भी आप इजिली सॉल्व कर लेंगे तो so, वीडियो को एंड तक देखते रहिए सो आइए क्वेश्चन नंबर थर्टी सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी आपको दिया हुआ है ट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा माइनस वन अपॉन वन प्लस साइन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन वन प्लस टू जीरो सो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को आइए देख लेते हैं नौ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे दोनों टर्म से एलसीएम ले, ले लेते हैं वन प्लस साइन थीटा एंड वन प्लस सेक थीटा तो ले लीजिए वन प्लस साइन थीटा इंटू वन प्लस राइट हम एलसीएम ले लेंगे नाउ यहां पर क्या आएगा इंटू थीटा माइनस वन इंटू sec थीटा प्लस वन लिख सकते हैं इसको वन प्लस या sec थीटा प्लस वन एक ही बात होती है प्लस सेक स्क्वायर थीटा इन टू साइन थीटा माइनस वन एंड यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो वन प्लस साइन थीटा या फिर लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस वन राइट ये लाइन समझ आई हमने क्या किया ये एलसीएम ले लिया दोनों ना जब हमने इसको सॉल्व किया तो इससे ये कैंसिल हो गया वन प्लस साइन थीटर से वन प्लस सेक्ट थिएटर रह जाता है तो वन प्लस सेक्ट थिएटर की न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गई ऐसे ही होता है ना एलसीएम ये आपका नोमिनेटर था इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई हो गई जब हमने इससे इसको डिवाइड किया तो ये हमारा कैंसिल हो गया वन प्लस साइन थिएटर रह गया तो हमने वन प्लस साइन थीटर के इस न्योमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दी फर्स्ट लाइन क्लियर आगे सॉल्व कर लेते हैं आप देख रहे हैं तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपको ए स्क्वायर का होता है दैट मीन्स यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी सेम यहाँ पर भी हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अप्लाई कर सकते हैं सो so, अप्लाई कर लीजिए कोट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा को ए मानेंगे तो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन बी को वन मानेंगे तो वन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन स्क्वायर राइट इसे हमने ए माना इसे हमने बी माना क्लियर है ना कंसेप्ट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपन वन प्लस साइन थीटा इंटू वन प्लस sec थीटा ठीक है नाउ सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन वन का स्क्वायर वन ही होता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेम यहां पर ही वन का स्क्वायर वन ही होता है राइट right? टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की आपको मालूम है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है वन के यहाँ पे आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन दिया है सो so, हम अगर टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड एंड वन को लेफ्ट साइड लिया है दैट मीन सेक्वायर थीटा माइनस वन किसके इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा के ये आइडेंटिटी आपको मालूम है राइट एंड सेकेंड आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपको मालूम है वन के इक्वल होता है सो आपको यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटर माइनस वन दिया है इट मीन वन को लेफ्ट साइड एंड कॉस थीटा को थीटर थीटा को हम राइट साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस वन इक्वल हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा के सो so, हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं कोट स्क्वायर थीटा इन टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इन टू यहां पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह क्या जाएगा माइनस इन प्लस सेटा क्लियर है ना आपको मालूम है कोट थीटा किसके इक्वल होता है वन अपॉन टेन थीटा के इक्वल होता है एंड सेक थीटर किसके इक्वल होता है वन अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है जानते हैं ना आप अच्छे से सो so, हम कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इन टू टेन स्क्वायर थीटा आपका एज इट इज यहाँ पर दिया हुआ है क्लियर प्लस यहाँ पे माइनस है क्योंकि मल्टीप्लाई में है ये टर्म तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम लोग सो सेकंड स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इन कॉस स्क्वायर थीटा राइट आपोनमें क्या आ जाएगा वन प्लस साइन थीटा इंटू वन प्लस सेन थीटा इतना क्लियर है आपको हमने क्या किया सेक स्क्वायर थीटर माइनस वन की वैल्यू पुट कर दी साइन स्क्वायर थीटर माइनस वन की वैल्यू पुट कर दी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नाउ कॉट स्क्वायर थीटर को आपने वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख लिया एंड सेक्स स्क्वायर थीटर को वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटर लिख लिया और जो ये माइनस का साइन था ये क्या हुआ जब मल्टीपल में है तो साइन चेंज हो गया क्योंकि बाहर आया तो माइनस प्लस माइनस हो गया क्लियर है इतना आपको नाउ

एंड नाउ वन माइनस वन आपको मालूम है किसके इक्वल होता है जीरो के इक्वल होता है इट अपॉन थीटा वन प्लस थीटा एंड किसी भी डिजिट से आप जीरो को अगर डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम है आंसर क्या आता है ऑब्वियसली जीरो ही आता है क्लियर सो so, हमारी ये क्या है राइट हैंड साइड हो गई इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्टी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स थर्टी भी हम अदर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन ये आपका इजी मेथड है इसलिए मैंने आपको बताया था अदर मेथड आपका बहुत ज़्यादा लॉन्ग है इसलिए आप इसी मेथड को यूज़ कीजिएगा बहुत इजीली आप लोग इसे कर सकेंगे आई होप क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी आपको ईजिली समझ आ गए होंगे अदर क्वेश्चन के भी मैंने आपको टू थ्री मैथड्स बताए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है तो आप सभी वीडियोज देख लीजिएगा सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा आप एग्जाम में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे सो so फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें मैम मुझे समझ आ गया है एंड टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है ये आपकी इसको लर्निंग की ट्रिक मैंने आपको बताई है सबसे फर्स्ट इस वीडियो trigonometric में मैंने आपको यही बताई थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो से आपकी पूरी trigonometry डिपेंड करेगी सो so, अगर आपने वो सब चीजें अच्छे से जान ली तो आप trigonometric के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकेंगे सो so, फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू